गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आज हम करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन जो है क्या है कि इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ यू सी इट इज कंपोज्ड ऑफ टू इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्री कनाल सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड ठीक है सो कंपेरेटिव अकाउंट में हम एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड दोनों के ही बारे में इनका अकाउंट देखेंगे इफ़ यू सी एज फार एज एलिमेंट्री कैनाल इज कंसर्न ये जो वेरियस uh, वर्टिब्रेट्स है इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वेरिंग डायमीटर की है इसका जो यूनिफॉर्म भी हो सकता है समवेयर इट ये जो है नैरो होती है कई जगह बहुत ब्रॉड होती है एक मैं आपको एक अकाउंट दिखाती हूँ एलिमेंट्री कैनाल का ये, आ, ये आ, आप साइक्लोस्टोम जो कि एक एग्नैथोस्टोमेटा का एकमात्र ऑर्डर है साइक्लोस्टोमेटा उसमें देखो साइक्लोस्टोम में यूनिफॉर्म डायमीटर की आप देखो एलिमेंट्री कैनाल है स्ट्रेट वेर एज डॉग फिश ये एक फिश है फिश है इसमें आप देखो कि स्टमक जो है वो नैरो है ठीक है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक जो है ब्रॉड है स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से नैरो हो जाती है सॉरी ड्योडिनम पार्ट नैरो हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से ब्रॉड हो जाती है, है. इधर गारपाइक जो कि ऑस्टिक थाइज फिश है इसमें आप देखो कंपैरेटिवली एलिमेंट्री के जो है नैरो नैरोर ही है एम्फीबियंस में फ्रॉग में आप देखो थोड़ा सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो है कॉइल्ड uh, है यानी कि अब लेंथ जो है इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि वो बॉडी में फिट नहीं हो सकते इसी तरह एम्फीबियंस में टर्टल्स में आप देखो कॉइलिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टार्टेड दिस इज बर्ड बर्ड में एक नया फीचर एड हुआ है जैसे क्रॉप है प्रोवेंट्रिकुलस है यहाँ पर और हाईली कॉइल्ड इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ये आप रैबिट में आप देखो हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन इज देयर दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन इज देयर एंड दिस इज़ द केस ऑफ मैन यू गेट टू सी

एंड एंड विथ एनस और यू कैन से क्लोएका अब माउथ में जब सॉरी माउथ में जब फूड जो है वैन इट इज़ टेकन इन द फूड इज सब्जेक्टेड टू डाइजेशन उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का एबजॉर्प्शन होता है ठीक है एब्जॉर्प्शन के बाद एलिमिनेशन होता है राइट थ्रू एनस इस तरह से यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में

क्लीवेज शुरू होती है तो क्लीवेज किस तरह की हॉल ऑफ यानी कि सेल जो है कम्प्लीटली डिवाइड करता है बट अन यानी कि जो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स है या कि प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज को क्या बोलेंगे ब्लास्टोमियर जो सेल्स बनते हैं रिजल्टेंट सेल्स उनको ब्लास्टोमियर बोलते हैं तो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर वो अनइक्वल है याद देखो फर्स्ट क्लीवेज यानी कि टू सेल स्टेज पर दो इक्वल ब्लास्टोमियर्स बन गए फोर्स्टेज फोर सेल स्टेज पर फोर इक्वल ब्लास्टोमियर्स एट सेल्स स्टेज यानी कि फोर्थ क्लीवेज में ये एक ट्रांसवर्स क्लीवेज है हॉरिजॉन्टल क्लीवेज है इससे चार तो माइक्रो यानी कि स्मॉलर सेल्स चार जो है लार्जर सेल्स दैट इज मेगा बने ठीक है इस तरह से फर्दर डिविजन होते गए और एक स्टेज आई जब उसको कहते हैं मॉरूला मोरूला एक तरह से एक सॉलिड यू नो बॉल है सेल्स की बहुत सारे सेल्स हैं जो कि uh, ये सेक्शन है छोटे छोटे बॉल्स का बना हुआ है अब क्या होता है मोरूला स्टेज में कि जो सेल्स होते हैं अंदर की तरफ जो सेल्स होते हैं वो एक फ्लूड रिलीज करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब फ्लूड रिलीज होता है सेल से तो अंदर ही अपने आप एक कैविटी बन जाती है राइट यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है मोरूला के बाद क्या आती है ब्लास्टूला ब्लास्टुला वो स्टेज है जिसमें सेंटर में एक बन जाती है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसी ये देखो ये देखो ऊपर की तरफ जो स्मॉलर साइज के सेल्स हैं माइक्रो में जैसे अगर हम सेक्शन लें वर्टिकल सेक्शन लें और सॉरी वर्टिकल एल एस लें तो और बीच में एक ये कैविटी इसको ब्लास्टोसील और ये नीचे आप देखो लार्जर सेल्स है ये सेल्स फर्दर डिवाइड करते हैं लार्जर सेल्स डिवाइड टू गिव राइज टू बिगर सेल्स स्मॉलर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म स्मॉलर सेल्स ये आप ये देखो छोटे छोटे सेल्स हैं और बीच में जो है ये कैविटी प्रसिस्ट कर रही है ब्लास्टोसील blasto ब्लाशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं ओके ब्लास्टो ब्लास्टुला के ब्लास्टुलेशन के एंड में यानी कि ब्लास्टुलेशन जो के एंड में जो है देखो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो वो कैसा दिखाई देता है अगर हम सेक्शन लें तो वो जो सेल्स है ना अंदर की तरफ जो है माइक्रो में जो छोटे सेल्स थे यू सी दे वो यहाँ पर इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं और बनाते हैं योग सेल्स जो कि फ्यूचर एंडोडर्मल सेल्स होते हैं और जो लार्जर सेल्स होते हैं वो देखो आप इस तरह से एक एक इकट्ठे हो तो जाते हैं और वो बनाते हैं फ्यूचर एक्टोडोमल और जो से देखो जो एंडोडर्मल के एड्वाइनिंग सेल्स होते हैं दे फॉर्म फ्यूचर मिजोडम ठीक है ये तो अगर हम ब्लास्टुलेशन यानी कि ब्लास्टुला का हम सेक्शन लें तो एंड में जो है सेल्स का अरेंजमेंट इस तरह कुछ होता है ना ब्लास्टुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है गैस्ट्रुलेशन गैस्ट्रोलेशन में क्या होता है कि यहां से सेल ना अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं अब आप देखो कि जब सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे यानी यहां वाले सेल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे तो इस ओपनिंग को बोलते हैं पोर ठीक है अब क्या होगा जब ये सेल्स इस तरह अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो कैविटी है क्या है ब्लास्टोसील कैविटी जो है ये ब्लास्टोसील ये धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाएगी देखो मैं कैसे दिखाती हूँ आपको ये देखो आप ठीक है ये आप देखो कि यहाँ से इन्वेजिनेटो के सेल अंदर जा रहे हैं ठीक है जब इन्वेजिनेटो के सेल अंदर जाएंगे तो अपर वाले सेल्स डिवाइड हो गए वो भी अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं इधर वाले सेल भी इधर की तरफ मूव करते हैं और ये इस ओपनिंग को बोलते हैं ब्लास्टोपुर और ये देखो नई कैविटी बनती है जिसको कहते हैं आर्केंट्रॉन यानी कि ब्लास्टोला तो धीरे धीरे कम होता है और आर्केंट्रॉन का साइज़ देखो ये इस तरह बढ़ जाता है ठीक है अब आप देखो इस तरह से और फर्दर मूवमेंट हो रहा है सेल्स का और इधर से नीचे की तरफ से भी बहुत फर्दर अब देखो ये मीजोडर्मल सेल्स जो बाहर की तरफ थे वो अब अंदर की तरफ आ गए एंडोडर्मल सेल्स सारे जो है अंदर की तरफ एंटर कर गए हैं ठीक है तो गेस्ट्रोलेशन के एंड में ये देखो ये ओपनिंग है जहाँ से एंटर हुआ उसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं वो फ्यूचर प्रोस्टीरियर ये एक फ्रॉग में आप मार्क लगा लो कि जो ब्लास्टोपोर है वो पोस्टीरियर एंड बनाता है तो जिसके अपोजिट वाला एंड क्या बनेगा एंटीरियर एंड बनेगा ये अगर ये पोस्टीरियर तो ये एंटीरियर ऑब्वियसली ऊपर वाले को डॉर्सल बोलेंगे और नीचे वाले को वेंट्रल बोलेंगे ठीक है अब हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो है आर्केंट्रॉन ठीक है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आर्केंट्रॉन से बनती है अब आप देखो गैस्ट्रोलेशन के एंड में अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ एक बार आपको और क्लियर समझ में आएगी ये आप देखो ये सेल्स जो है बाहर की तरफ पूरे जो लार्जर सेल्स थे मेगा मेगा मेयर्स थे और धीरे धीरे ये देखो ब्लास्ट ऑफ सेल्स एंटर करना शुरू किया बाहर से ये देखो एंटर एंटर कर रहे ये देखो ये ब्लास्ट ये जो सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं जिनको हम योग प्लग बोलते हैं या आ, मेगा मेयर्स बोलते हैं ठीक है थीके? तो अब आप देखो कि इस तरह ब्लास्टोपोर से जब सेल एंटर करता है और फाइनली जब ब्लास्टोपोर क्लोज हो जाता है तो अंदर जो है ये अरेंजमेंट है जो ये येलो कलर के कलर के सेल्स हैं ये है योग सेल्स आर्कें ये आर्केंट्रॉन है आर्केंट्रॉन के जस्ट नीचे योग सेल्स हैं जो कि बाद में जाके योग सेक बनाएंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आर्केंट्रॉन के दोनों तरफ जो ये ग्रीन कलर के सेल्स हैं ये है एंड्रोडोमल सेल्स और इनके चारों तरफ जो पिंक कलर के सेल्स हैं इनको बोल इनको कहते हैं फ्यूचर मीजोडम सेल्स और जितने भी सेल आउटसाइड हैं द मीजोडम उनको बोलते हैं एपिडर्मिस सेल्स या एक्टोडम ठीक है अब क्या होता है इस स्टेज के बाद कि ये आर्केंट्रॉन जो है धीरे धीरे एलोंगेट करना शुरू करता है और ये जो ये जो अभी इतन, ऐसा दिखाई दे धीरे धीरे ये करेगा और एलोंगेट करके क्या बनेगा एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा ये देखो ये दिखाई दे रहा है ये जितना भी पोर्शन ग्रीन कलर का पोर्शन है ये पोर्शन जो है वो एलिमेंट्री केनाल बता ओनली डिफरेंस इज़ कि एंड आर्केंट्रॉन का वो हिस्सा जो कि योग सैक के कांटेक्ट में आता है ये आप देखो ये धीरे दे धीरे जो है ये आर्केंट्रॉन आगे की तरफ बढ़ जाता है इस तरह करके और इधर पीछे की तरफ बढ़ जाता है तो जो योग सैक है वो भी इस तरह से नैरो होता चला जाता है इस तरह जो है योग सैक बन जाता है तो आर्केंट्रॉन का वो हिस्सा जो योग सैक के कांटेक्ट में रहता है वो बनाता है इफ यू सी मिड गट ठीक है और आर्केंट्रॉन से के आगे आगे वाला हिस्सा जो है उसको हम बोल देते हैं फोरगट uh, और आर्केंट्रोन के पीछे वाले हिस्से को हम कहेंगे मिडगट और सॉरी हाइंड गट यानी कि आर्केंट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट्स ठीक है ना तो केवल वो हिस्सा जो कि योग सैक के कांटेक्ट में है वो बनता है मिडगट इसके अलावा अब आप देखो यानी कि ये जो जितना भी ग्रीन वाला एरिया है ना ये सारा वो हिस्सा है जो आर्केंट्रॉन से बना हुआ है ठीक है इसके अलावा बाहर देखो ये एक्टोडाम सेल्स हैं तो एक्टोडम सेल्स जो हैं ये आप देखो इन्वेजिनेट करते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ आया सर में अब क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट हो जाती है आगे से इन्वेजिनेशन से क्या बनता है माउथ पार्ट पीछे से इन्वेजिनेशन से क्या बनता है क्टम एंड एनस करेक्ट सो अब एक और क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्री कैनाल का कि जो पार्ट एक्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट एक्टोडम से बना हुआ है कौन सा पार्ट एंटीरियर पार्ट उसको कहते हैं स्टोमोडियम ठीक है बीच वाला जो पूरा पार्ट जो है एंड्रोडम से लाइंड है उसको कहते हैं और पोस्टीरियर हिस्सा आगे जो एक्टोडर्म से लाइंड है उसको कहते हैं प्रोक्टोडियम एक ये तुम्हारे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था ठीक है सो दिस इज हाउ एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म्ड इन वर्टिब्लिट्स आर्केंट्रॉन से एलिमेंट्री कैनाल का क्या रिलेशन है केवल ये दिखाना था मैंने आपको ठीक है नाउ वी कम टू हिस्टोलॉजी अगर आप हिस्टोलॉजी देखोगे यानी कि अगर एलिमेंट्री कैनाल तुम्हें तो पता है इस तरह वेरियस साइज की है। अगर हम साइज लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल का उसको कट करते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देगी इट ये आउटर वॉल है और ये इनर लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की तो अगर हम आउटर वॉल से शुरू हुए एलिमेंट्री कैनाल की तो सबसे आगे की तरफ जो बाहर की तरफ यानी ये हिस्सा जो है उसको कहते हैं सिरोसा अगला हिस्सा जो है उसको कहते हैं मस्कुलर कोट उससे अगले हिस्से को सब म्यूकोजा और लास्ट वाला जो कैविटी को फेस करता है हिस्सा उसको कहते हैं म्यूकोजा यानी कि ये थ्रू आउट एलिमेंट्री कनाल जो ये चारों लेयर जो है परसिस्ट करते हैं ठीक है अब हम एक बार दोनों को अलग अलग करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हिस्टोलॉजिकल स्टमक में और इंटस्टाइन में ठीक है अब हम पहले स्टमक देखते हैं

मस्कुलर कोट और सिरोसा के बीच में एक छोट एक छोटा सा लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का जिसको कहते हैं सब सिरोसा जो कि मस्कुलर इज म्यूकोसा और सिरोसा को कनेक्ट करने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू का बनाओ नेक्स्ट आप देखो is, इस सेकेंड लेयर इज मस्कुलर कोट इसमें आप देखो तीन लेयर्स हैं मसल्स की पहला है ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कैन यू सी ये लॉन्गिट्यूडल मसल्स है अगर आप देखो लंबी मसल्स को सेक्शन लेंगे तो वो ऐसे से दिखेंगे ना अगला है ये सर्कुलर मसल लेयर का और थर्ड मस्कुलर लेयर है ये है ओब्लिक मसल लेयर का यानी कि जो स्टमक की जो वॉल है वो काफ़ी जो है थिक है और इसको बोलते हैं मस्कुलर कोट और थिक एंड वॉल क्या होती है फूड की चर्निंग में हेल्प करती है राइट इट हेल्प्स इन चर्निंग ऑफ फूड फूड जो है उसमें अच्छी तरह से मिक्स होता है सी एच यू आर एन आई एन जी ठीक है उसके बाद अब आप देखो थर्ड लेयर आता है सब म्यूकोजा का ये दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा ये ये जो लेयर है ये पूरा ये दिस लेयर दिस इज सब म्यूकोजा लेयर इट इज़ मेडअप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है किस तरह ऐसा टिश्यू है विच इज़ मेडअप ऑफ वाटर एंड सॉल्ट जो कि आस के सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इफ़ यू सी ये जो है सब म्यूकोजा जो है एक तरह से स्टमक को डिस्टेंड करने में स्टमक के डिस्टेंशन में हेल्प करता है ठीक है ओके आफ्टर सब म्यूकोजा कम्स द लास्ट लेयर दैट इज म्यूकोजा देखो आप म्यूकोजा लेयर कित कितना थिकेंड लेयर है प्रजेंट इट अब आप देखो कि ये पूरा जो है ए, म्यूकोजा लेयर अगेन in turn is मेड अप ऑफ many सब लेयर्स कौन कौन से हैं म्यूकोजा लेयर में अगर आप देखोगे सबसे पहले तो अब आप ये देखो कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा लेयर का दैट इज मस्क्यूलैरिस म्यूकोजा मस्क्यूलैरिस म्यूकोजा का मतलब क्या है कि ये आप देखो अगेन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल फाइबर्स का बना हुआ है स्मूथ मसल्स का बना हुआ है ठीक है उसके अलावा नेक्स्ट इज लेमिना प्रोप्रिया कैन यू सी दिस होल लेयर इज़ लेमिना प्रोप्रिया लेमिना प्रोप्रिया का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर एजुलर कनेक्टिव टिश्यू था इट इज़ मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू लेमिना प्रोप्रिया यानी कि कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है और ये जो है मिडल uh, लेयर है म्यूकोजा का ठीक है नाउ इफ यू सी द इनर मोस्ट लेयर इज एपिथील कॉलमर एपिथीलियल सेल्स ठीक है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलमिनर एपिथीलियस इसमें आप देखोगे कि uh, ये जो सेल्स हैं दे आर यू नो इन फोल्डिंग कॉलमिनर सेल्स जो है एक तरह से लॉन्गिट्यूडल फोल्ड्स बना बना रहा है इन फोल्ड्स को हम कहते हैं रगी गैस्ट्रिक रगी और इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं कैन यू सी दीज आर वेरियस ग्लैंड्स राइट right? इसमें अलग अलग तरह के सेल्स में जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो कि एच सी एल सिक्रीट करता है ठीक है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं आ, इफ यू न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं म्यूकस सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है एपिथीलियल सेल में एक और सेल्स है पैप्टिक सेल्स हैं जो कि रेनिन सिक्रीट करता है राइट right? सो so, इस तरह से दट इज द कॉल हाईली ग्लैंडुलर सेल जो कि कैविटी में वेरियस सिक्रेशंस रिलीज करते हैं ठीक है सिमिलरली अब आप देखो यही सारे लेयर्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है ये आप देखो यहाँ पे हम इसको दूसरे उससे देखेंगे अब आप देखो जो आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पर कैन यू सी दिस पर्पल कलर लेयर दैट इज सिरोसा और यू कैन से विसरल पैरिटोनियम ठीक है नेक्स्ट लेयर आप देखो वो भी मस्कुलर कोट है कौन कौन सी मसल्स है यहाँ पर भी इफ यू सी देर आर लॉन्गिट्यूडल मसल्स देर इज होल यू नो बैच ऑफ सर्कुलर मसल्स ठीक है और यहाँ पे इन मसल्स का काम क्या है दे प्रोवाइड पेरिस्टाइलसिस एलिमेंट्री के के पेरिस्टाइलसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मस्कुलर कोट थर्ड लेयर इज सब म्यूकोजा ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का ये सब म्यूकोजा है और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है जिसमें आप देखो मैंने येलो कलर से पेयर पैचेस पेयर्स पैचेस दिखा रखे हैं जो कि लिम्फोसाइट्स बनाते हैं इसके अलावा इसमें जो है ब्लड सप्लाई है नर्वस सप्लाई न्यूरोन्स हैं लिम्फेटिक वेसल्स हैं ठीक है नेक्स्ट इज म्यूकोजा अब आप देखो म्यूकोजा यहाँ पे भी काफ़ी थिक एंड है और इसमें भी वैसे ही पार्ट हैं जैसे आउटर पार्ट जो है देखो मसल्स का बना हुआ सर्कुलर मसल्स ये दिस होल पार्ट इज मेट ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उसके अलावा इफ़ यू सी देर इज लेमिना प्रोप्रिया ठीक है या बीच में या आप देख रहे हो ये पूरा लेमिना प्रोप्रिया है और लैमिना प्रोप्रिया वही कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है कैन यू सी दिस इनर मोस्ट लेयर इज़ मेड अप ऑफ एपीथीलियम नोन एज सरफेस एपीथीलियम ये दिखाई दे रहा है दिस इज सपीथीलियम राइट और इस तरह से ये फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं विलाई बोलते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा इफ़ यू सी देर आर सर्टेन यू नो ग्लैंड नोन एज क्रिप्स ऑफ राइट विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस करेक्ट सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज क्लास एक तरह से आप यू कैन से ये इंट्रोडक्ट्री क्लास थी और कल से हम एलिमेंट्री कैनाल के जो वेरियस पार्ट है ना जैसे राइट स्टार्ट राइट फ्रॉम द माउथ टू एनस उसके बाद ग्लैंड्स का कंपेरेटिव अकाउंट देंगे कंपेरेटिव अकाउंट यानी कि साइक्लोस्टोम से लेकर मैमल्स तक जो जो चेंजेस हैं वो हम इसमें डिफरेंट टाइप में स्टडी करेंगे